हेलो फैमिली, क्या हाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का व्लॉग हमने सीधा मंदिर से स्टार्ट किया है क्योंकि शिवरात्रि है। आप देख सकते हैं मैं मोक्षधाम मंदिर पे खड़ा हुआ हूँ। ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और भाई आज लाखों करोड़ों की भीड़ में हम पहली बार व्लॉग बनाने आए हैं। देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। यहाँ पे है ना, लोग मंदिर में अपनी चुनरी बांध रहे हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, आप भी आकर चुनरी बांध सकते हो यहाँ पर। तो भाई मंदिर की एंट्री पे ही हमको शीतला माता जी का मंदिर मिलता है और आप देख सकते हैं, और यहाँ पर परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। हम भी परिक्रमा पूरी करते हैं और आप एंजॉय करें। फैमिली, ये पीछे वाला हिस्सा है मंदिर का और देख सकते हैं आप भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है और कितनी आकर्षित लग रही है, जो मन को मोह रही है। आप बताना कि आपको कैसी लग रही है। और भाई आप देख सकते हैं, ये गोवर्धन जी है हमारे कृष्ण भगवान और उनकी ये छोटी सी गुफा की परिक्रमा है और हम भी पूरी करते हैं और आप भी मेरे साथ आए और गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरी करें और अंदर कृष्ण भगवान खड़े होंगे। जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि अंदर कृष्ण भगवान जी खड़े होंगे। गोवर्धन पर्वत को उठाकर देख सकते हैं कितनी मस्त पे लग रही है। आप भी बताना यार कैसी लग रही है आपको ये। और भाई गुफा में से निकलते के साथ बाहर सामने महाकालेश्वर जी का एक पार्क आ जाता है, ये भी देख सकते हैं। ये भी एक छोटी सी गुफा है, देखते हैं अंदर जाके। कुछ नहीं है, बस पार्क है ये। मनोरंजन लेना, आप देखना कैसा लगे आपको। और यहाँ पर यार लाखों की तादाद में भीड़ लगी हुई है, ठीक है, और बहुत आनंद भी आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे भाई साहब सूरदास जी की प्रतिमा लगी हुई है, देखिए कैसी है, बहुत अच्छी लग रही है। सितारा ले रखा है इन्होंने अपने हाथ में, एक तारा। ये इस वाले पार्क की बाहर निकलने वाली गुफा है, देखिए यहाँ पर गुफाएं बहुत मिलेंगी यार, देखते रहे। देखो यार फोटो वोटो खिंचाने के मारे कहाँ पर चढ़ गए, गुफा के सर पे ही चढ़ गए यार। और यहाँ पर यार सभी एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, फोटो वगैरह खींच रहे हैं एक से एक। ये पार्क ही है एक तरीके से, जब मंदिर की पूजा वगैरह आप कर लेते हो तो पीछे आके आप बैठ सकते हो आराम से। और इसी के साथ हमने एक और मंदिर के अंदर एंट्री की है और आप भी आए और देखे दृश्य का मजा ले। और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। महादेव, जय शिव शंकर। और तो फैमिली देख सकते हैं आप,
यहीं पर जो है परिक्रमा हो रही है अपने भगवान भोलेनाथ जी की, जो भी चढ़ावा वगैरह चढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आप भी यार भगवान भोलेनाथ जी की जो है दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है, दृश्य है और मन को मोह रहा है, और आप भी यार इंजॉय करें। और भाई अब हम चलते हैं नीचे, नीचे एक और परिक्रमा होगी शिवलिंग जी की, वो भी देखते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग है, उसकी भी परिक्रमा हो रही है, तो आप भी आए और मेरे साथ में परिक्रमा में अपना सहयोग दे, ठीक है यार। देखो यार आ चुके हैं हम यहाँ पर, देख लो परिक्रमा चल रही है लोगों की, और हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप। और यार फ्रेंड इंजॉय करते रहे, लगातार बने रहना, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है। तो भाई इस वाले मंदिर को तो हम कर चुके हैं, और अब हम दूसरे वाले में जाएंगे। फिलहाल अभी बीच में एक ये छोटी सी गुफा आ गई थी, इसको भी देखना बनता है, तो आप भी आए यार देखें, ठीक है। और भाई देख सकते हैं भगवान कृष्ण जी की कितनी प्यारी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये वही वाला पर्वत है गोवर्धन पर्वत, ठीक। और हम इसके ऊपर से भी जाके आपको नज़ारा दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ और देखते हैं नज़ारा। और देख सकते हो फैमिली कितना बड़ा और विशाल ये पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, और इस पे जो है देख सकते हैं सबने मनोकामना के लिए चुनरी बांधी हुई है, ठीक है। और भाई इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ एक स्विमिंग पूल है, और इसमें मगरमच्छ है, और एक तरफ ये कछुआ है, ठीक है। और वहाँ पर हमारे विराजमान भोलेनाथ जी हैं अपनी नंदी बैल के साथ में, देख सकते हैं कैसा लग रहा है यार, बताना ज़रूर और कमेंट करके रहना यार फटाफट से। तो चलो यार और मंदिरों को भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है, दर्शन वगैरह कराते हैं आपको। अब हम लेके चलते हैं आपको साईं बाबा जी के मंदिर में, और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी देख के, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं अंदर। तो भैया देख सकते हो आप साईं बाबा जी के भी दर्शन हो गए हैं, जय हो साईं बाबा जी, और आप भी कर ले यार। और भाई देखो यहाँ का नज़ारा और दिखाता हूँ मैं आपको, देखते रहना। ये देखिए भाई साहब साईं बाबा जी कैसे अपने जो पहले थे उन जमाने में उनके मरीजों को ठीक कर रहे थे, मतलब अपने भक्तों को। देख सकते हो आप कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं लगी हुई है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपका भाई ही दिखा सकता है, ठीक है। बट मेरे ब्लॉग थोड़े बड़े होते हैं, उस चीज़ का यार इग्नोर करना, लेकिन ब्लॉग में जो चीज़ होती है वो चीज़ को महसूस करा करो, देखा करो कि यार मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ आपसे, ठीक है। और भैया जी के ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं लाखों पब्लिक के बीच में बना रहा हूँ, थोड़ी सी शर्म तो लग रही है, लेकिन
यार आप होना तो आपके लिए ज़रूरी है ये, क्योंकि यार आप भी देख रहे हो तो यार कैसी शर्म और कैसी आया। हम तो यार ठीक ही है और मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अब हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के अंदर और चलते हैं अंदर, अंदर का दृश्य देखते हैं, ठीक है। और अंदर का दृश्य देखने से पहले भाई साहब एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि आप माता शेरावाली जी के दर्शन करने वाले हैं, वो भी मोक्षधाम मंदिर के अंदर UP 14 लोनी में। और भाई देख सकते हैं आप माता शेरावाली जी के भी दर्शन हो चुके हैं, और आप भी कर लो, बोलो जय शेरावाली माता जी की। और देख लो यार कैसे भाई देख रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कोई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब देखो यार, ठीक है। हम माता शेरावाली जी के मंदिर के अंदर आए हैं, दिल को तृप्ति मिल गई, मन को शांति मिल गई। आप भी यार आए और यहाँ का आनंद ले और आशीर्वाद पाए माता शेरावाली जी का। और चलते हैं भाई और देखते हैं आगे, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी देवी देवताएं सब माताएं, ठीक है, सबकी लगी हुई है यहाँ पर। और भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मन एकदम ऐसा हो रहा है कि यार पूछो मत ना, बिल्कुल शांति मिल रही है मन को, ठीक है। बेशक से शोर हो रहा है लेकिन शांति मिल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे यहाँ पे कितनी भीड़ लग रही है, लोग अपने अपने मोबाइल लेकर सब वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और बहुत ही आनंद आ रहा है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं काल भैरव जी के मंदिर में, और यहाँ पर भी आई परिक्रमा हो रही है, और यहाँ पर जो है नौ परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। तो भाई तुम्हारा भाई भी नौ परिक्रमा पूरी करता है, और यार करो आप भी मेरे साथ में नौ परिक्रमा पूरी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलो यार करते हैं, जय। और भैया इसी के साथ हम एंट्री करते हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर के अंदर, और देख सकते हैं आप सामने ही सीधा श्री बांके बिहारी जी मंदिर खड़े हुए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से एक कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मन को मोह लेती है, देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर। और भाई यार मैं क्या ही कहूँ आपसे, बस आप यार ब्लॉग को इंजॉय करते रहे, ठीक है ना, मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है, आज अब तक आप ब्लॉग इंजॉय करते रहो। देख सकते हैं आप कृष्ण भगवान जी पेड़ पर बैठे हुए, और नीचे बैठी हुई राधा माता जी। और यार हम चलते हैं बाहर को, और बाहर का भी नज़ारा पूरा देखते हैं, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से निकलकर अब हम चलते हैं भाई दूसरे मंदिर के अंदर, ठीक है। और ये वाला मंदिर है शनि बाबा जी का मंदिर, संकट मोचन शनि बाबा जी। और देखना
और पूरा पूरा इंजॉय करना। ठीक है, यहाँ लाखों की भीड़ लग तो रही है, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है कि फ़ोन वोन गिर गुरा ना जाए यहाँ से यार मेरे हाथ में से। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, एक ही फ़ोन है भाई के पास में। ठीक है, और यार वही फ़ोन टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यार चलो उस चीज़ को छोड़ते हुए हम चलते अपने अंदर मंदिर के अंदर, देख सकते हैं संकट मोचन। ठीक है, अंदर चलते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो भाई बने रहना, अभी तक अभी व्लॉग आधा ही हुआ है। तो फैमिली कैसा लगा आपको ये मोक्षधाम मंदिर? ठीक है, बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, और भाई जितने भी आपको अंदर मंदिर मिले यार, मैं आपको बता नहीं सकता कितने होंगे, आप खुद गिन लेना। मैंने आपको कितने गिना दिखाए, और इसमें कुछ रह भी गए थे। ठीक है, और भाई शुक्र है भगवान का, अपनी चप्पल वप्पल ढूँढ रहे हैं, मिल जाए तो। एक चप्पल तो मिल चुकी है ये। ठीक है, और भाई दूसरी और देखते हैं, किसी और की ना पहन लूँ। बेशक से मेरी ना मिले कोई बात नहीं, रह जाने, लेकिन मैं किसी और की नहीं पहनूँगा। और गाइज आप भी कभी भी किसी भी मंदिर में जाएँ, अगर आपकी चप्पल खो जाए तो आप कभी किसी की चप्पल पहनना मत ना। ठीक है ना, अगर आपकी खो गई तो कोई बात नहीं, आप नहीं खरीद लेना। ठीक है फैमिली, हम आ चुके हैं भाई बाहर, बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको, और भाई मंदिर भी देखना आप। ठीक है, जो भी कोई आना चाहे यहाँ पे आ सकता है। ये लोनी में, यूपी 14 लोनी गाजियाबाद में है। ठीक है ना, और भाई चिरोड़ी वाले रोड पर स्थित है मोक्षधाम मंदिर, और बहुत अच्छा मंदिर है, हमेशा खुला रहता है। तो भाई हम आ चुके हैं बाहर, जैसे कि बाहर लग रही है बहुत भीड़, यहाँ का रास्ता पूरा का पूरा बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है भाई। ठीक है, और दिखा देता हूँ, झूले फूले भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक ठीक है, देख लेना तो बता रहा। भाई सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और आगे जाके दिखा देता हूँ, फिर मिलते हैं यार घर पे। भाई निकलते हैं यहाँ से। ठीक है ना, और अब अपने घर की तरफ को जाएंगे, और देखते हैं यार बाइक वाइक भी देखते हैं, जाके बाइक पार्किंग पे लगवाई है। भाई मंदिर में आया तो भाई भगवान के सारे बाइक छोड़ दी मैंने। ठीक है ना, और आप भी मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको अपने भाई का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा तो, क्योंकि यार इस ब्लॉग को बनाने के लिए शर्म हया और मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। ठीक है, और उन सबको तोड़ते हुए आपके भाई ने सिर्फ आपके लिए बनाया है ये,
ब्लॉग ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से नहीं आ रहा था भाई। अब चलते हैं यार घर पे, और यहाँ और ये भीड़ ज़्यादा, और अपन देखते हैं यार बाइक लगा रखी है पार्किंग पे, ठीक है ना। हाँ तो भाई बाइक वाइक तो मिल चुकी है, और भाई मंदिर के हो चुके हैं दर्शन पूरे, और अब चलते हैं भाई मेरी अपनी बाइक चंपा और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो देख सकते हो मेरे पीछे कितना खेत है, ये बाइक वगैरह खड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ भी सारे में बाइक वगैरह खड़ी हुई है, और भाई अब चलते हैं। और फैमिली यार मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, ठीक है, एक मम्मी है और एक पापा है, उनको भी नहीं बता सकता मैं अपना दुख, क्योंकि अगर उनको मैं बताऊंगा तो वो भी मुझसे ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि उनकी यार एक ही औलाद दुखी है, और मैं यार क्या करूं, ठीक है। काम वगैरह भी करता हूँ लेकिन यार मेरे पास इतना काम नहीं आता है, ठीक है, और ना ही मेरे पास शॉप है, पहले तो शॉप थी उसकी वजह से मेरे को काम मिल जाता था, अब शॉप भी नहीं है उसकी वजह से काम नहीं मिलता है मुझे। और यार मैंने कुछ सोच के आया था आप लोगों के भरोसे कि YouTube पर आता हूँ मैं, और इसको अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन यार मुझे लगता है कि आज भी और यार मुझे लगता है कि YouTube तो हमारा साथ लगता है कि कभी भी नहीं देगा, और यार गाइस आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा यार मत करो, ठीक है। गरीब इंसान का बच्चा हूँ मैं भी यार, मेरे पे भी थोड़ा बहुत रहम करा करो, क्योंकि यार जो भी मैं कुछ करता हूँ सिर्फ आपके लिए ही करता हूँ, ठीक है ना, और आगे भी मैं आपके लिए ही करूँगा, इसलिए यार ऐसा मत करो मुझसे, जितना बेटर से बेटर होएगा उतना मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और यार कुछ नहीं रखा है लाइफ में, बस ऐसे ही टाइम कट रहा है आपके सहारे, ठीक है। तो फैमिली यार कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग बताना बिल्कुल भी ना भूलना, और भाई सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को शेयर कर देना। मंदिर कैसा लगा अपनी अपनी राय देना, अपने अपने विचार बताना कि आपको मंदिर कैसा लगा, और कहाँ मैंने क्या गलती की, और कैसा आपको व्लॉग लगा मेरा। तो फैमिली सबको गुड बाय एंड थैंक यू मेरे व्लॉग पूरा देखने के लिए, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, बाय बाय।